अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नीज थी जिसका नाम ज़ायदा था। आपके पास ज़रा देर से आई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम्हारे देर से आने का क्या सबब है। उसने बताया कि मैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके उनका गट्ठा बांध कर खड़ी थी। गट्ठा मैंने एक पत्थर पर रखा हुआ था कि आसमान से एक फरिश्ता उतरा। उसने मुझे सलाम किया और बताया कि वो दरोगा-ए बहिश्त है। उसने कहा, ऐ ज़ायदा, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने आपको आपकी उम्मत को तीन ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। पहला ग्रोह बग़ैर हिसाब किताब के बहिश्त में जाएगा और दूसरी जमात पर हिसाब आसान कर दिया जाएगा और एक जमात को आपकी शफात से बख्श दिया जाएगा। इसके बाद वो आसमान की तरफ प्रवास कर गया तो मैंने लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश की लेकिन मैं उठा ना सकी। इसी असना में फरिश्ते ने मेरी तरफ देखा तो मुझे मुश्किल में देखकर वापस आया और जिस पत्थर पर गट्ठा रखा हुआ था उसको हुक्म दिया कि लकड़ी का गट्ठा बमा ज़ायदा के उठाओ और इन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने उतार दो। चुनाचे पत्थर ने मुझे और गट्ठे को लेकर उड़ा और फिर एक दरवाज़े के सामने उतार दिया। इसके बाद ज़ायदा ख़तून ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते का पैगाम दिया तो ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। फिर सहाबा कराम के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाज़े पर जाकर इस पत्थर के आने जाने का निशानात मुलाहिज़ा फरमाए और फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से उस वक़्त तक रुख्सत ना देंगे जब तक के रिज़वान ने मेरी उम्मत के जन्नत में जाने की बिशारत ना दी कि उसने मेरी उम्मत में भी एक ऐसी औरत को पैदा फरमाया है जिसका मर्तबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बराबर है। क्योंकि जिस तरह एक फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम क्योंकि जिस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की बिशारत दी थी उसी तरह फरिश्ते ने हज़रत ज़ायदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश की बिशारत दी है।